हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट देखेंगे। इजीली चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ इनलाइन इनलाइन ब्लॉक इनलाइन टेबल एंड टेबल सेल्स एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो भी हम लोग देखने वाले हैं। इसका इस्तेमाल आप वर्टिकल अलाइन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, इनलाइन जो होगा उसी एलिमेंट का, या फिर इनलाइन ब्लॉक होगा उसका, या फिर इनलाइन टेबल का, या फिर टेबल सेल्स में, इन्हीं सभी में आप इस्तेमाल कर पाएंगे हम लोग जो भी देखने वाले हैं। इसमें क्या क्या हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप के द्वारा। हमारे पास अवेलेबल है अलाइन, बेस लाइन। अब बेस लाइन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं CSS HTML में, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मैं अब सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या क्लासेस हमें यहाँ मिलती हैं। हमें अलाइन बेस लाइन, अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम, अलाइन टेक्स्ट बॉटम, अलाइन टेक्स्ट टॉप मिलता है। ये वर्टिकली अलाइन करता है। हम लोग वैसे हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं आराम से, टेक्स्ट सेंटर का इस्तेमाल करें या फिर MX ऑटो का इस्तेमाल करें। तो आप हॉरिजॉन्टली यानी कि राइट टू लेफ्ट सेंटर किसी को लाना हो तो आप आराम से ला सकते हैं, लेकिन वर्टिकली यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। तो उसके लिए ये क्लासेस हमारे पास डिफाइन करके हमें दे दी गई हैं। कौन सा क्लास किस तरीके से काम करेगा ये यहाँ आप एग्जांपल में आसानी से देख सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन टेबल और टेबल सेल के साथ ही काम करेगी। अगर आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट में इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बेस लाइन क्लास देते हैं यानी कि अलाइन बेस लाइन, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अलाइन टॉप, तो ये आपको टॉप में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर देख सकते हैं आप। देखिए इसका बेस लाइन और इसका बेस लाइन आपको एक दिखाई देगा इन दोनों का, लेकिन ये जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया है इस चीज़ से। तो ये सारी माइनर डिफरेंस हैं जो आप यूज़ करते हैं तो आपको आसानी से नज़र आ जाती हैं ज़रूरत के हिसाब से। मिडिल साफ साफ दिखाई देता है कि ये मिडिल में है, और अलाइन बॉटम बॉटम में, टेक्स्ट टॉप और टेक्स्ट बॉटम सिमिलरली वैसे ही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसका एग्जांपल यहाँ यहीं आप देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप टेबल में जब करते हैं तो इसको आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि बेस लाइन यहाँ लिखा गया है, टॉप और मिडिल, ये वर्टिकली इसको अलाइन कर रहा है। आप इसको टॉप टू बॉटम के मतलब विजुअलाइज करके दिमाग में देखिएगा, तभी इस तरीके से आपको लेफ्ट टू राइट करके नहीं सोचना है। इसको आपको इस तरीके से सोचना है कि अलाइनमेंट जो है वो टॉप टू बॉटम हो रहा है, ना कि लेफ्ट टू राइट। ओके, मिडिल अगर यहाँ से यहाँ तक का पूरा है तो ये इसका मिडिल है, तो यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है तो ये आपका बॉटम है, और आपका ये टॉप है, और ये आपका टेक्स्ट टॉप है, और ये आपका टेक्स्ट बॉटम है, और उसके अनुसार यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। इसमें अगर बॉर्डर दे दिया जाए तो ये आपको और बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने एग्जाम्पल में चलते हैं और वहाँ मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सेव किया मैंने वही कोड यहाँ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मैंने बस क्या किया है अपने इस कोड में कि मैंने टेबल में टेबल इसको दे दिया है क्लास, और टेबल में मैंने बॉर्डर बना दिया जिससे कि आपको इजीली देखने को मिलेगा, और मैंने इस टेबल का हाइट भी डिफाइन कर दिया है 100px। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये बेस लाइन, टॉप, मिडिल, बॉटम, टेक्स्ट टॉप, टेक्स्ट बॉटम, और ये 100px का हाइट है इसका। इसमें बेस लाइन आपको यहाँ दिखाई देगा जब आप इस्तेमाल करेंगे किसी को, तो मतलब कोई टेक्स्ट है ये जिसका बेस लाइन अलाइन बेस लाइन आपने क्लास दिया, तो ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये टॉप है। और जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि टेबल आपका जो एक सेल होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से बड़ा हो जाता है, तो उसमें आप चाहेंगे कि ये आपको यहाँ ना दिखाई दे कि मिडिल में दिखाई दे, तो उस वक्त आप इस अलाइन जो आपका ये कोड है, मैं बताता हूँ, अलाइन मिडिल, इसका इस्तेमाल करके उस टेक्स्ट को आप उस सेल के मिडिल में दिखा सकते हैं। ओके, इस तरीके से बॉटम में दिखाना तो बॉटम में, टेक्स्ट टॉप और टेक्स्ट बॉटम, हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वर्टिकली अलाइन करने के लिए। ओके, इसमें और इससे ज़्यादा कुछ भी डिस्कस करने के लिए नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।